लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसके अलावा ददरौल विधानसभा में भी उपचुनाव हो रहा है। 27 लोकसभा सीट शाहजहांपुर में आज मतदान के दिन मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। यहां दिव्यांग से लेकर बुजुर्ग मतदाता सभी कामकाज छोड़कर पहले वोट करने पहुंच रहे हैं। वहीं आज एक ऐसी बुजुर्ग महिला मतदाता भी वोट करने पहुंची जिन्होंने वोट करने के लिए अपना 25 साल पुराना नियम तोड़ दिया। वोट करने पहुंची सरला देवी सक्सेना 25 साल से दिन की शुरुआत रामायण का पाठ करने के बाद करती हैं, लेकिन आज उन्होंने रामायण का पाठ करने से पहले मतदान करना जरूरी समझा। शाहजहांपुर नगर के बाड़ूजई प्रथम मोहल्ले की रहने वाली सरला देवी सक्सेना, जिनकी उम्र 75 वर्ष हो चुकी है। सरला देवी भगवान श्री राम की परम भक्त हैं। रोजाना सुबह उठने के बाद सबसे पहले रामायण का पाठ करती हैं, उसके बाद अपनी दिनचर्या की शुरुआत करती हैं। लेकिन सरला देवी ने आज अपना 25 साल पुराना नियम तोड़ दिया और वो रामायण का पाठ करने की बजाय पहले वोट करने के लिए पहुंची। राम भक्त सरला देवी का कहना है कि मतदान को लेकर उन्हें भारी उत्साह है। सरला देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना लोकल 18 से बातचीत करते हुए कहा कि वो राम भक्त हैं, उन्होंने भी राम भक्त को ही वोट किया है। वो चाहती हैं कि देश में और विकास और तरक्की हो। उम्र के आखिरी पड़ाव पर वोट करने पहुंची सरला देवी लोगों से भी वोट करने की अपील कर रही हैं। सरला देवी का कहना है कि सबसे पहले वोट करें, उसके बाद अपने दूसरे कामों को करें। एक एक वोट से लोकतंत्र मजबूत होता है। ऐसे में जरूरी है कि हर मतदाता अपनी जिम्मेदारी को समझे और लोकतंत्र को मजबूती दे। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। हमारी रामायण पढ़ने की हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं नाम है, लेकिन आज पहले सबसे वोट डालने आए। क्या मुद्दे क्या है? क्या मुद्दे? तो देश का विकास हो रहा है, दिख रहा है हमको, वो तो दिख रहा है। तो आपने रामायण पढ़ने के बजाय वोट करना? हाँ, वोट डालना हमने जरूर समझा कि हम वोट डालने आ गए, पर उस नहीं चल पाते हैं, लड़के सारे आए। क्या वजह क्या है कि पहले वोट करना जरूरी समझा? मतदान देना बहुत जरूरी है हर हर नागरिक को, इसलिए वोट डालने। क्या लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हर एक से कहेंगे वोट डालो, जाएगी हर एक से यही कहेंगे वोट जरूर दो, पहले मतदान उसके बाद और काम।